हमारे पुलिस स्टेशन पक्का डंगा को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो जो इंसिडेंट है, एक जरीना बेगम हमारे पास कंप्लेनेंट आती है पुलिस पोस्ट रिहाड़ी में, जो लडोर की रहने वाली है। तो वो अपना इंसिडेंट नरेट करती है कि मैं ऐसे अम्फला जेल के पास जा रही थी तो एक स्कूटी राइडर ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और वो वहाँ से फरार हो गया। तो इसके बेसिस पे हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 10/2021 अंडर सेक्शन 382 IPC। पुलिस स्टेशन पकड़ंगा में पर्चा लगा तो हमने अपनी तफ्तीश जारी की। उसके तफ्तीश के बेसिस पे हमें कोई CCTV फुटेज मिला जिसमें कि एक सस्पेक्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम था अमन शर्मा, जोगिंदर शर्मा इसके बाप का नाम है। ये घुमट का रहने वाला है, इसका नाम मूसा मूसा के नाम से जाना जाता है। जब हमने इसको लाया तो इसके डिस्क्लोजर पे हमने 41 मोबाइल्स रिकवर किए हैं। और इसमें हमारी जो टीम थी, स्पेशली पक्काडंगा SHO अजीत सिंह, पूरब इंस्पेक्टर पूरब जो कि अभी इंचार्ज हैं पुलिस पोस्ट परेड के, और हमारे पुलिस पोस्ट रिहाड़ी के इंचार्ज हैं शकील मन्हास, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। तो जिसमें कि हमारे पास अभी 41 मोबाइल रिकवर हुए हैं। मेरी जनरल पब्लिक से ये अपील है कि ऐसे आजकल इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं स्नैचिंग के, जो कि राइडर्स स्कूटी पे आते हैं और आपको मोबाइल हाथ से छीन के ले जाते हैं। तो इन लोगों से आप थोड़ा अवेयर रहें, और अब अगर कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करें। थैंक यू। पास हुआ था, अगर वो भी होगा तो वो मुझे लगता है इसी में मोबाइल रिकवर हो गया है, वो भी हो गया, वो भी रिकवर हो गया। नहीं, अभी इसके साथ साथ और भी हमारी चोरियां हुई हैं कार रिलेटेड, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो जल्दी हमें उसमें भी कामयाबी मिलेगी। सर, थोड़े दिन पहले जलाका वाला में भी चोरी हुई थी सर। हाँ, वो घर में चोरी हुई थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं दिल्ली शहर में, और ये जो नक्सल इस समय एक्टिव है, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस का क्या रहने वाला है ताकि ये चोरियों की जो वारदातें बढ़ रही हैं इनको जड़ से खत्म किया जाए? देखिए, चोरी पहली बार तो हुई नहीं है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। तो प्लीज़ इसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके, हम जो भी CCTV फुटेज टेक्निकल एविडेंस जितना होता हम उसको भी एनालाइज करके हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें हम जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे, और प्रिवेंटिव लेवल पे भी हम प्रिवेंशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सर, आपने CCTV कैमरा का जिक्र किया, तो पुलिस के भी कई CCTV कैमराज जो हैं इस समय डिफंट हैं, तो ऐसे में आपने ये चीज़ नोटिस में लाई है हायर अथॉरिटीज़ की, और दूसरा जो लोकल यहाँ पर जिनकी कमर्शियल शॉप्स हैं उनको किस तरह की इंस्ट्रक्शन हैं CCTV कैमराज इंस्टॉल कराने के लिए? अभी रिसेंटली एक मुहिम हमने चलाई है कि हम लोगों से ही हेल्प सेल्फ ग्रुप पे ही, जैसे कमेटीज़ हैं, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी है, अभी एक दारू गिला वेलफेयर कमेटी है, उन्होंने अपने पूरे वार्ड में वो लगाए हैं। तो हमने बाकी भी लोगों से अपील की है, जितने मार्केट एसोसिएशन हैं उनके साथ भी हम बात करके हमने बहुत सारी जगह पे कवर करवाया है CCTV फुटेज से, तो इस पर भी काम चल रहा है। सर, ओल्ड सिटी में लोगों पे कहीं ना कहीं देखा जाता है, पुलिस उन्हें बोलती है यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अब चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस पे भी प्रेशर है। सॉरी, ये अब प्लीज़ मैं